Hello friends. Today we will talk about a topic called present indefinite tense, as you can see on the screen. जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. और अगर इससे पहले मैं आपको ये बताना जरूर चाहूँगा कि अगर आपने टेंस के जो पास्ट टेंस का जो होता है अगर आप नहीं जानते हो या नहीं पढ़े हो तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर जाकर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देख सकते हो. और अगर आप पास्ट टेंस ही नहीं जानते या पास्ट टेंस किस तरह बनाते हैं वो आपको जानना अच्छे तरीके से है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ग्रामर वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे आप मेरे चैनल के, तो आपको मिल जाएगा. बहुत आसान तरीका है वो. आप जहाँ वहाँ पे जाकर आप पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जाके देख सकते हो. इवन नाउन भी आप जाकर वहाँ पे देख सकते हो. टुडे वी विल टॉक अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. क्या होता है, कैसे होता है वो हम डिस्कस करेंगे. चलिए देखते हैं. तो टेंस क्या होता है हमें पता है. टेंस क्या होता है? टेंस वो स्ट्रक्चर होता है, वो ढांचा होता है जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि कोई वाक्य, कोई सेंटेंस, क्या वो सेंटेंस प्रेजेंट में घटित हुआ है, मतलब जो एक्शन है वो क्या वो प्रेजेंट में हुआ है, फ्यूचर में हुआ है कि पास्ट में हुआ है. वो हम डिस्कस करते हैं या वो हम जानते हैं. वो तरीका टेंस तीन होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर या पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर. आप किसी भी तरीके से बोल सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड वे में हम पहले पास्ट पढ़ते हैं, फिर प्रेजेंट, फिर फ्यूचर. अब हम चलेंगे प्रेजेंट का. जैसा कि हम पास पढ़ चुके हैं तो प्रेजेंट चलेंगे. प्रेजेंट की जो प्रेजेंट टेंस होता है हमें पता है कि जब कोई एक्शन हमें ये रिप्रेजेंट करे कि जो की जो काम है वो कब किया गया है, वो प्रेजेंट टाइम में किया गया है. या जब कोई स्टेटमेंट, कोई सेंटेंस, कोई क्वेश्चन हमें ये महसूस कराता है कि ये काम प्रेजेंट टेंस में किया गया है या पूछा गया है एक तरीके से, तो हम उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं. प्रेजेंट पूछा गया है तो. अब जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो, आप फटाफट नोट कर लीजिए इसको. प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं. आप कंटिन्यूअस की जगह प्रोग्रेसिव भी लगा सकते हैं. दोनों का मतलब सेम है, कोई चेंज नहीं होगा. तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट. तो चलिए देखते हैं. आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान क्या है. हिंदी में इसका पहचान बहुत इजी है. ता है, ती है, ते है. मैं बात कर रहा हूँ अंत में. जब आप किसी कोई हिंदी वाक्य बोलते, जैसे मैं खाना खाता हूँ, वो रोज़ स्कूल जाता है, माँ मुझे खाना खिलाती है, माँ मुझे रोज़ दूध देती है, ती है, ता है, आ रहा है, वे रोज़ स्कूल जाते हैं, तो क्या हुआ, ता है, ती आया ना. इसी को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, पहचानने में. हिंदी में ता है, ती है, ते है, वही वही पहचान बताता है कि वो प्रेजेंट में. यही होता है कि माँ मुझे दूध देती थी. अगर ता थी हो जाए, तीती थी, ती थी हो गया ना, तो ती थी ये किस में हो गया, प्रेजेंट, सॉरी फॉर पास्ट इंडेफिनिट का हो गया. ये ता है इसलिए हमें ये पता चलता है कि ये किस में का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है. आप साफ साफ इंग्लिश में भी देख सकते हो. एक्शन विल बी इन अ रेगुलर वे. अगर आप पढ़ोगे तो रेगुलर मतलब देखिए प्रोग्रेसिव नहीं कि चल रहा है. रेगुलर मतलब जो पर डे होता है या पर तरीके से होता है, एक जैसे हर हफ्ते होता है, हर साल होता है, जैसे होली हर साल होती है. ती है, ता है आया ना, इसको हम प्रेजेंट मानेंगे क्यों, क्योंकि क्योंकि ये रेगुलर वे में होता है. और इन हैबिचुअल वे मतलब या तो जो आदत हो, जो आपका आदत हो उस वे में हो या जो रेगुलर होता वो हो. सेंटेंस शुड बी अ फैक्ट. सेंटेंस या तो फैक्ट हो सकता है. अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आप फैक्ट पे क्वेश्चन पूछ रहे हो. जैसे हर साल होली होती है, हर साल दिवाली आती है, तो दिवाली हर साल आती है, ये फैक्ट है कि नहीं है? हाँ फैक्ट है, इसलिए हम उसको इस केस में रखते हैं. या तो वो फैक्ट होगा या वो रेगुलर वे में किसी तरीके से होता होगा या वो हैबिचुअल होगा. जैसे मैं रोज़ क्रिकेट खेलता हूँ, तो मैं रोज़ क्रिकेट खेलता हूँ ये रेगुलर है. क्या है ये? रेगुलर है. वो पेंटिंग करता है, तो पेंटिंग करता है तो क्या वो उसका हैबिट हो गया ना, हैबिचुअलिटी हो गई ना. वैसे ही ये आप समझ सकते हो. अब हम आगे चलते हैं. आगे जब जाओगे आप, जो मैं स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा उसमें देखिए वर्ब फिफ्थ फॉर्म आएगा, जो आपको शायद पता होगा, बहुत लोग को नहीं पता होगा. जिसको पता नहीं वो मैं बता दे रहा हूँ. वर्ब के पाँच फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म आपका जैसे गो, सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन और फोर्थ फॉर्म होता है गोइंग, GO+ING, गोइंग. और फिफ्थ फॉर्म होता है गोज, GOES. मतलब जब हम किसी
वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ऑब्लिक एस को ऐड करके उसकी मीनिंग कुछ और क्या कहते हैं मॉडिफाई करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ऑब्लिक ईएस या ई एस ऑब्लिक एस, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखा है जो इसमें आएगा। अगर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा तो हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्रयोग करेंगे सेंटेंस में जब भी आप पढ़ेंगे, और हेल्पिंग वर्ब मतलब जब ये हम बात करेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव ये सब सेंटेंस की बात करेंगे तो वहाँ पर डज यूज होगा। मतलब सिंगुलर के साथ डज प्रयोग होगा और प्लूरल के साथ डू प्रयोग होगा, और वर्ब की बात करें तो उसमें फर्स्ट फॉर्म आएगा वर्ब का। चलिए देखते हैं और पूरा समझते हैं कि एक्चुअली मैं क्या कह रहा हूँ। आपको बस ये जानना है जो मैंने यहाँ स्ट्रक्चर लिखा उसको लिख लीजिए पहले, फिर हम स्ट्रक्चर पर चलेंगे तो हमें बढ़िया तरीके से समझ में आया जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेइंग यू। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं साफ साफ हम बात करेंगे अफर्मेटिव की। अफर्मेटिव मतलब होता है साधारण वाक्य में एक तरीके से सकारात्मक वाक्य, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस। इसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा और अदर वर्ड होगा। जैसा कि आप डिस्कस कर चुके हैं पिछले ही कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर यानी कि एक वचन हुआ तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ऑब्लिक एस प्रयोग होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि सिंपल जो आप सिंपल वर्ब होता है वो प्रयोग करेंगे, वी विल यूज दैट। तो साफ साफ लिखा है अच्छे सुबह जल्दी जग जाता है, इसका क्या होगा अक्षय वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या गेट्स अप अर्ली भी इन द मॉर्निंग भी हो सकता है, वहाँ गेट्स भी हो सकता है वेक्स भी हो सकता है। देखिए याद रखिएगा मैंने जो आप साफ साफ देख रहे हो वेक्स पे वे WAKES लिखा है। एस क्यों लिखा है क्योंकि वेक्स अप क्या बता रहा है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बता रहा है, और जैसे ही वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बता रहा है इसका मतलब जो सब्जेक्ट अक्षय है वो क्या है सिंगुलर है इसलिए। और इन द मॉर्निंग आपको पता है सुबह सुबह मॉर्निंग नहीं पढ़ते, र नहीं होता है इसमें, मॉर्निंग होता है, र लगभग बोलते ही नहीं है मॉर्निंग। उसके बाद है वे रोज बैडमिंटन खेलते हैं, तो सिंपल है वे यहाँ पे हम प्लूरल की बात कर रहे हैं बहुवचन, इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगा। तो दे बोथ वे दोनों या वे सिंपल रोज क्रिकेट खेलते हैं या बैडमिंटन खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं कुछ भी हो सकता है। तो दे बोथ प्ले बैडमिंटन डेली, यहाँ अगर हम वे लोग लिख देंगे तो बोथ हो जाएगा, नहीं लिखेंगे तो बोथ नहीं होगा। हिंदी में आप चाहो तो वहाँ पे वे लोग लिख सकते हो, वे लोग रोज बैडमिंटन खेलते हैं, दे बोथ प्ले बैडमिंटन डेली, ऐसे हो सकता है। अब चलते हैं हम नेगेटिव पे। नेगेटिव जो होगा वो साफ साफ है, उसमें डू और डस का प्रयोग हो जाएगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको कि देखिए जब हम प्रेजेंट इनडेफिनिट की बात करेंगे, जैसे कि हम हमने पास्ट इनडेफिनिट की बात की थी कि पास्ट इनडेफिनिट का जो पहला सेंटेंस है उसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा और बाकियों में वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं लगेगा, वैसे ही यहाँ पे भी जो आपका जो पहला आपका सेंटेंस था अफर्मेटिव वहीं पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग होता है और कहीं नहीं होता। तो इसमें हम देखेंगे हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगा चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। लेकिन हाँ डू और डज में अंतर होता है, डू प्रयोग होता है जब सब्जेक्ट प्लूरल यानी कि बहुवचन होता है, और डज प्रयोग होता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर यानी कि एकवचन होता है। तो स्ट्रक्चर आप चाहो फटाफट नोट कर सकते हो, यू कैन नोट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑफ द नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड जिसको हम कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है वह तुम्हें पसंद नहीं करता है, ही डज नॉट लाइक यू, वो तुम्हें पसंद नहीं करता, ही डज नॉट लाइक यू, ही डज नॉट लाइक यू, अलग तरीके से आप बोल सकते हो। देखिए डज क्यों लगा है क्योंकि ही क्या है सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है डज लगा है। अगर यही देम हो दे होता तो प्लूरल होता, फिर वो लोग अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं, पीपल डू नॉट शो देयर फेसेस, लोग अपना चेहरा नहीं दिखाते, इसका साफ साफ मतलब है कि यहाँ पे लोग क्या है लोग प्लूरल है, क्यों क्योंकि यहाँ पे डू प्रयोग हुआ है इसलिए। देखिए पर्सन मतलब होता है एक लोग, अब पीपल मतलब होता है कई लोग, जनरली मतलब आप ऐसे समझ सकते हो। अब चलते हैं इंटरोगेटिव। देखिए जो स्पेलिंग लिखा है INTERROGATIVE ही जो स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसको इंटरोगेटिव पढ़ते हैं, इंटरोगेटिव नहीं होता है, इसको इंटरोगेटिव पढ़ते हैं, मतलब सही तरीके से आप इसको इंटरोगेटिव पढ़ सकते हो। साफ साफ आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, डू ऑब्लिक डज है, सब्जेक्ट है, वर्ब का वहाँ फर्स्ट फॉर्म होगा जहाँ फोर्थ फॉर्म लिखा है वहाँ पे क्या होगा
फर्स्ट फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा और आपका अदर वर्ड होगा। जहाँ फोर्थ फॉर्म लिखा है वहाँ फर्स्ट फॉर्म होगा। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, गलती हो गई वहाँ पे, वहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखाएगा। रही बात एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, क्या सचिन किचन में पढ़ता है? किसी ने आपको बताया कि यह सचिन सचिन किचन पढ़ता है, तुमको पता है मैं उसके घर गया था, मैं देख रहा था तो किचन पढ़ रहा था। तो आप अपने से सोच रहे हो, किसी से पूछ रहे हो, क्या सचिन किचन में पढ़ता था? डज सचिन स्टडी इन द किचन? देखिए वहाँ स्टडी लिखा है, स्टडीज नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, वो आपका फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगा इंटरोगेटिव में। तो डज सचिन स्टडी इन द किचन? फिर क्या वे लोग भूत पर विश्वास करते हैं? डू दे बिलीव ऑन घोस्ट? घोस्ट मतलब होता है भूत। दे डू दे बिलीव ऑन घोस्ट? क्या वो लोग घोस्ट पे बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं? इस तरीके से आप बोल सकते हो। अब चलेंगे हम इंटरोगेटिव में ही, लेकिन नेगेटिव का। तो डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। साफ साफ स्ट्रक्चर आपको लिखा है, कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस आपको ये याद रखना है कि सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का प्रयोग करेंगे हमेशा, और मेन वर्ब से पहले। क्या सचिन किचन में पढ़ाई नहीं करता है? यार हमें तो लगता था करता है, लेकिन फिर जवाब आया नहीं, नहीं नहीं करता है। तो आप डाउट में फिर भी हो, फिर वही पूछ रहे हो। डज सचिन नॉट स्टडी इन द किचन? क्या सचिन किचन में नहीं पढ़ता है? क्या वे लोग भूत पर विश्वास नहीं करते हैं? डू दे नॉट बिलीव ऑन गॉस्ट? याद रखिएगा, सब्जेक्ट के बाद ही आपको नॉट लगाना है, और जनरली मेन वर्ब से पहले। लेकिन आपको ये मैं एक बात बता दूं, कभी कभी क्या होता है, कहीं पे पूछ सकता है, IAS एग्जाम में पूछ सकता है, या आपको PCS के एग्जाम में पूछ सकता है, कि जो नॉट होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, वो किस कब आता है, किसके बाद आता है? वर्ब के बाद आता है या सब्जेक्ट के बाद? तो याद रखिएगा, आपको बता दूं मैं, जो नॉट है वो हमेशा वर्ब से पहले आता है, सॉरी वर्ब के बाद आता है। अब आप सोचो कि वर्ब के बाद कहाँ आता है, अभी तो एग्जाम्पल में वर्ब से पहले आ रहा है। मैं बता रहा हूँ, वर्ब वर्ब यहाँ पे दो हैं, यहाँ पे डज भी एक वर्ब है, स्टडी भी एक वर्ब है। डज आपका हेल्पिंग वर्ब है और स्टडी आपका मेन वर्ब है। तो डज के बाद आया है आपका नॉट, इसलिए हम बोलते हैं, बोल सकते हैं कि वर्ब के बाद नॉट आता है, या और क्लियर बोल सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है और मेन वर्ब से पहले आता है। कब? इंटरोगेटिव सेंटेंस में। इसको इस तरीके से आप बोल सकते हो। अब चलते हैं मैं इंटरोगेटिव, लेकिन WH वर्ड की तरफ। WH वर्ड यानी क्या होता है? मतलब ऐसे वर्ड जो क्या होता है, क्वेश्चन पूछते हैं, हु व्हाट वेयर, एग्जाम्पल, ये सब एग्जाम्पल हैं WH वर्ड के जो क्वेश्चन पूछते हैं। तो WH वर्ड क्या? प्लस डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आप साफ साफ स्क्रीन पे देख सकते हो, वह क्या करती है, मतलब आप पूछ रहे हो सिंपल, वह क्या करती है? हाँ, वो देखो जा रही है, रोज देखते हैं, उधर जाती है, फिर शाम को आती है 6 बजे। क्या करती है वो? तो उसका होगा व्हाट डज शी डू, व्हाट डज शी डू। यहाँ डू मतलब जो दूसरा डू आया है शी के बाद, डू, हाँ डू मतलब तक काम करना, तो वो वाला डू आया है, व्हाट डज शी डू, शी है इसलिए यहाँ पे डज लिखा है, सिंगुलर है। आप विद्यालय में क्यों पढ़ते हो? आप सिंपल हम सबसे पूछा जा सकता है कि आप विद्यालय में क्यों पढ़ते हो या क्या आप पढ़ते हो। तो व्हाट डू यू लर्न इन स्कूल? आप स्कूल में क्या पढ़ते हो या क्यों पढ़ते हो? तो यहाँ पे क्या है, तो व्हाट डू यू लर्न इन स्कूल? आप स्कूल में या विद्यालय में क्या पढ़ते हो? आपसे कोई पूछ सकता है, तो सिंपल है व्हाट डू यू लर्न इन स्कूल। इस तरीके से आप क्वेश्चन को पूछ सकते हो। देखिए लर्न मतलब पढ़ना भी यहाँ पे हम ले सकते हैं, और सीखना भी, दोनों ले सकते हैं। अब चलते हैं आगे, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि WH वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसको आप इस तरीके से बोल सकते हो, आप विद्यालय क्यों नहीं जाते? तो व्हाई डू यू नॉट गो टू स्कूल? आप विद्यालय क्यों नहीं जाते? सब स्कूल जाते हैं लेकिन आप नहीं जाते, तो इस तरीके से बोलेंगे, व्हाई डू यू नॉट गो टू स्कूल? व्हाई डू यू नॉट गो टू स्कूल? आप कहाँ नहीं, मतलब आप कहाँ नहीं रहते हैं? याद रखिएगा, जो मैंने ऑब्लिक यहाँ पर देखिए एरे बनाया है, लाइव और यू के बीच मैंने एरो बनाया है, उसके बगल मैंने नॉट लिखा है, आप साफ साफ देखिएगा। तो मैं मिस कर दिया था नॉट लगाना, तो मैंने दोबारा इसको अच्छे तरीके से नॉट लगा दिया है एरो लगा के, जैसे कि आप करते हो कॉपीज में। तो वही है, यू के बाद नॉट लगेगा, जैसे कि आप फर्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हो, यू के बाद नॉट लगा है और गो से पहले नॉट लगा है, वैसे दूसरे एग्जाम्पल में यू के बाद नॉट लगेगा और लिव से पहले। तो उसको बोल सकते हैं वेयर डू यू नॉट लिव, तुम कहाँ नहीं रहते हो?
इस तरीके से, मतलब हम बोलते हैं भगवान से, भगवान हर जगह होते हैं, तो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो भगवान से ही पूछ रहे हो, आप कहाँ नहीं रहते हो, वेयर डू यू नॉट लिव, तुम कहाँ, आप कहाँ नहीं रहते हो, इस तरीके से। ये हुआ वो आपका सिंपल स्ट्रक्चर छओ का छओ। अब चलते हैं इसको एक साथ देखते हैं, अभी हम अलग अलग देख रहे थे, लेट्स गो टू सी दी सेंटेंसेस ऑल टुगेदर, चले देखते हैं। तो इसको जब एक साथ देखेंगे तो आप साथ साथ देख सकते हैं, अफर्मेटिव यानी सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी प्रयोग कर सकते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग कर सकते हैं, डिपेंड करता है सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, अगर प्लूरल है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कंप्लीमेंट, फिर आते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में सॉरी फॉर दैट वहाँ नॉट ऐड होगा, एज सब्जेक्ट डज डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, वहाँ डू डज के बाद नॉट प्रयोग होगा, सेकेंड सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूँ वो आप देख सकते हो। फिर इंटरोगेटिव में डू अब्लिक डज सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, इंटरोगेटिव नेगेटिव में नॉट ऐड हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद आपका। फिर डबल इंटरोगेटिव यानी कि ऐसे सेंटेंस क्वेश्चन जिसमें वर्ड पूछा जाए, कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तो वहाँ सिंपल होगा डब्ल्यू एच वर्ड यानी कि क्वेश्चन वर्ड, डू अब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट फिर कंप्लीमेंट, और लास्ट में डू आई डी आई मतलब डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, वहाँ पे होगा डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डू अब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है छओ। जनरली ये जो स्ट्रक्चर है ये अमूमन तरीके से आप प्रयोग कर सकते हो और इसका प्रैक्टिस कर सकते हो, याद कर लीजिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, सेकेंड जो लाइन है वहाँ डू अब्लिक डज के बाद नॉट प्रयोग होगा वर्ब से पहले, तो आप ये जान लें। चलिए हम चलते हैं डायरेक्ट, अब एग्जाम्पल देखते हैं ताकि मैं और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, चलिए देखते हैं। जैसा कि आप ये एग्जाम्पल देखिए आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। एक साथ अफर्मेटिव, वह अपनी अपने परिवार से प्यार करती है, सी लव्स हर फैमिली, देखिए लव्स लिखा है क्यों, क्योंकि सी सिंगुलर है इसलिए लव के साथ एस ऐड हो गया है, लव्स। अब आपको ये धीरे धीरे याद करना होगा कि ई एस कब लगाते हैं एस कब लगाते हैं, ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे तरीके से आपको याद होगा। फिर आता नेगेटिव, वह अपने परिवार से प्यार नहीं करती है, ही डज नॉट लव हर फैमिली। फिर क्या वह अपने परिवार से प्यार करती है, डज शी लव हर फैमिली, मतलब मान लो उसकी फैमिली ने उसके साथ बहुत बुरा किया है, फिर भी उसने उन लोगों ने सुना किया और वो अपनी फैमिली से अभी भी बहुत प्यार करती है, तो आप डाउट में हो तो वही पूछते हो, डज सी लव हर फैमिली, डज शी लव हर फैमिली, क्या वह अपने फैमिली से प्यार करती है, इस तरीके से, क्या वह अपने परिवार से प्यार नहीं करती है, डज शी नॉट लव हर फैमिली, अरे उसके फैमिली ने उसको बहुत सपोर्ट किया था लेकिन अब बड़ी हो गई है, तो अब वो अपने परिवार से प्यार नहीं करती है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हो, डज शी नॉट लव हर फैमिली, फिर वह अपने परिवार से प्यार क्यों करती है, क्यों करती है भाई, वो अपने परिवार से प्यार क्यों करती है, जैसे आप अपने परिवार से प्यार क्यों करते हो, क्या वो आपको पैसा देते हैं इसलिए, या प्यार करते हैं, या आपको प्रोटेक्ट करते हैं, क्या किस लिए, तो वैसे व्हाई डज शी लव हर फैमिली, डज लगा है जैसा कि हमें पता है, डज लगता है क्योंकि सी सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे डज लगा है, अगर सी प्लूरल होता मान लो कभी जिंदगी में तो वहाँ पे डू लगता, सिंपल। वह अपने परिवार से प्यार क्यों नहीं करती है, क्यों नहीं करती भाई, क्यों नफर क्यों करती है, प्यार क्यों नहीं करती, वाई डज शी नॉट लव अवर फैमिली, वह अपने परिवार से प्यार क्यों नहीं करती, याद रखिएगा, देखिए बोलने का लहजा तरीका बता देता है कि आप कहना क्या चाह रहे हो, वाई वाई डज शी नॉट लव हर फैमिली, देखिए जब सी पे फोर्स करोगे, सी पे बल दोगे बोलते समय, इसका मतलब बहुत लोग तो प्यार करते हैं उसके फैमिली से लेकिन वह प्यार नहीं करती है अपने फैमिली से, इसका मतलब मान लो उसके भाई है, कोई या उसकी बड़ी बहन है, वो सब प्यार करते हैं लेकिन वह प्यार नहीं करती अपने फैमिली से, यहाँ मतलब ये हुआ। अब देखिए वाई डज सी नॉट लव हर फैमिली, लव प्यार वो सब कुछ तो करती है लेकिन प्यार क्यों नहीं करती अपने फैमिली से, यहाँ प्यार पे हम बल दे रहे हैं। फिर वैसे ही है व्हाई डज शी नॉट लव हर फैमिली, वो अपने परिवार से प्यार क्यों नहीं करती है, दूसरों के परिवार से अपने दोस्तों के परिवार से बहुत प्यार करती है लेकिन अपने परिवार से प्यार क्यों नहीं करती है, यहाँ बात हो गया अपने परिवार से। फिर
व्हाई डज सी नॉट लव हर फैमिली, वो अपने परिवार से क्यों नहीं प्यार करती है? वह अपने भाई से प्यार करती है, अपने दोस्त से प्यार करती है, लेकिन अपने परिवार से क्यों नहीं प्यार करती है? यहाँ पे देखिए, हर तरीके से क्वेश्चन थोड़ा सा बदला है। एक क्वेश्चन पे हम डाउट में है कि वो क्यों नहीं प्यार करती, फिर दूसरा है कि लव पे हमने डाउट किया, फिर हर पे, फिर फैमिली पे। इस तरीके से हम क्वेश्चन पे डाउट कर सकते हैं और समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। अब चलते हैं हम आगे। कुछ हम एक तरीके से आपको एग्जांपल दे रहे हैं, इसको आपको करना है। अगर आपको आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछें, साथ में अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। लेकिन उससे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। पहला है, मैं रोज़ क्रिकेट खेलता हूँ। क्रिकेट यहाँ CRICKET क्रिकेट होगा, खेलता हूँ, प्ले होगा, आप बनाइएगा जरूर जरूर। पापा हमें रोज़ 10 रुपये देते हैं, रोज़ का डेली होगा, और देना को गिव होगा, GIV। अब आप पे डिपेंड करता है कि वह GIV गिव होगा कि गिफ्ट होगा, आप पे डिपेंड करता है, आप चेक करके भरिएगा। तुम क्या कहना चाहते हो, तुम क्या कहना चाहते हो, होता है ना कभी पूछते हैं कि यार बहुत कंफ्यूज कर रहे हो, तुम कहना क्या चाहते हो, वही है, तुम क्या कहना चाहते हो। इस तरीके से आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ठीक है। और भी आप एग्जाम्पल आप बुक से देख कर सकते हैं, जिससे आपको और अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ जाए। एट लास्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी अच्छे तरीके से समझ में आए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन भी क्लिक कर दें, ताकि मैं नया नया जब भी वीडियो डालूँ, जैसे पास्ट कंटिन्यूस का मैं वीडियो डालूँगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप जान जाओगे कि हाँ, ये कंटिन्यूस के स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे होता है। फिर इस तरीके से आप और भी कंटेंट जान सकते हो वीडियो पे। और एट लास्ट, फिर से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।